हेलो एर्थ क्लास वेरी वॉम वेलकम टू आर चैनल टुडे वी आर डूइंग दी सिक्स लेक्चर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा एक बच्चे ने मैसेज किया था कमेंट किया था कि उनका उनकी बुक में ये चैप्टर इसका नंबर कुछ और है मे बी हो सकता है मैंने आपको बोला था मैं एट्थ क्लास की सीरीज़ के लिए कॉर्डोवा वाली बुक फॉलो कर रही हूँ तो उसमें ये है ये लेटेस्ट बुक है लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से मतलब ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू सॉरी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री का जो सिलेबस है उसके हिसाब से ही प्रिंटेड है लेटेस्ट बुक है ये उसमें ये इस तरीके से सीक्वेंस है चैप्टर्स की बाकी आपकी बुक में हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो सकती है तो उसमें जो जो सीड वाली चीज़ बोली थी बच्चे ने वो चैप्टर सेकेंड है Uh, जहाँ पर कि पूरे प्लांट का सिस्टम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है तो वो सेकंड चैप्टर है इस पर्टिकुलर बुक में वो मैंने अभी किया नहीं है क्योंकि मैं uh, मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनल से आ रहे हैं आपके तो मैं लास्ट वाले चैप्टर्स करी क्योंकि एट्थ में पूरा सिलेबस नहीं आता है फाइनल एग्जाम्स में लास्ट uh, के चैप्टर्स या एक आई डोंट नो हर स्कूल में अलग होता है वैसे यूजली लास्ट के चैप्टर्स देते हैं तो दैट इज़ बाय मैं लास्ट के चैप्टर्स पहले करी हूँ शुरू वाले चैप्टर्स में मे भी इसके बाद करूँगा नेक्स्ट सेशन में तो आप लोग देख लीजिएगा हर बुक का अपना अलग हिसाब किताब होता है हालांकि सिलेबस लेटेस्ट है आ, मैं एर्थ क्लास के लिए कॉडोवा बुक फॉलो कर रही हूँ नाइन्थ और टेंथ के लिए मैं सेलेना पब्लिकेशंस फॉलो करती हूँ मुझे एट्थ में सेलेना में ऐसा लगा कि आ, सेलेना से बेटर कॉर्डोवा है नाइन्थ टेंथ में मुझे सेलिना बेस्ट लगती है ठीक है ओके सो वी हैव स्टडीड अबाउट ब्लड वेरियस फंक्शंस ऑफ ब्लड ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं ब्लड कैसे फ्लो करता है मैकेनिज्म क्या है हार्ट क्या है हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है हार्ट में कौन कौन से वेल्स होते हैं कैसे वर्किंग होती है कैसे फंक्शनिंग होती है ब्लड ग्रुप्स ये सब हम पढ़ चुके हैं नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट दूसरा जो फ्लूड है हमारी बॉडी में दूसरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम में एक और सिस्टम है एक तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया दूसरा है हमारा लिम्फैटिक सिस्टम एक और बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है या फ्लो करता है दैट इज़ दी लिम्फ। तो उसके बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं उसके पहले हम कुछ एक थोड़ी सी नुहाव ले रहे हैं कि देखो ब्लड जो है कैपिलरीज में फ्लो करता है सबसे जो छोटी आर्टरीज़ जो ब्रेकअप होती हैं आर में उसमें ब्रेकअप होते हैं फिर उसके बाद कैपिलरीज़ में डिवाइड हो जाती हैं जो होती हैं वन सेल थिक उनकी जो वॉल होती है वो सिर्फ वन सेल थिक होती है तो वो छोटे से छोटे स्पेस में चली जाती हैं एक सिंगल सेल को भी न्यूट्रिय सप्लाई कर देते हैं तो लेकिन फिर क्या होता है कि आ, उन कैपिलरीज की इतनी थिननेस के बावजूद भी कुछ अंदर हमारी बॉडी में सेल्स या टिश्यू ऐसे रह जाते हैं जिनको वो न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पाते तो उनको न्यूट्रिएंट पहुंचाने के लिए क्या करें उनके न्यूट्रिएंट पहुंचाने के लिए क्या करते हैं कि भाई वो जो हमारा फ्लूड है जो कि ब्लड में जो हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिटुेंट्स हैं उन उनमें उन, उन टिश्यूज़ को अगर डिप कर दो या उन टिश्यूज़ और सेल्स के सराउंडिंग में वो लिक्विड होगा तो धीरे धीरे अपने आप ऑस्मोसिस के थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे और अपनी ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू और अपनी जो वेस्ट गैस है वो दे देंगे है ना ऑक्सीजन ले लेंगे सी ओ टू दे देंगे डिफ्यूजन के थ्रू ये काम हो जाएगा तो एक्चुअली हम क्या हम क्या मतलब गॉड हैज़ मेड अब आ बॉडी एज सच कि हमारे जो ऐसे जो सेल्स हैं जो कि ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं डायरेक्टली तो उनके लिए एक ऐसा फ्लूड है कि वो इमर्स रहते हैं उस फ्लूड में वहाँ से वो एक्सचेंज करके अपने मटेरियल्स ले, ले लेते हैं सो so, uh, इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ बुक में दे रखा है कि वाइल्ड फ्लोइंग प्लाज्मा एंड ल्यूकोसाइट्स लीक आउट थ्रू द वॉल्स ऑफ द कपिलरीज वाइल द ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल्स वॉट हैपन्स दैट ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यू बी सीज ल्यूकोसाइट्स क्या है डब्ल्यू बी सीज डब्ल्यू बी सीज एंड सर्टन अमाउंट ऑफ प्लाज्मा दे लीक आउट दे मूव आउट ऑफ द कपलरीज कपिलरीज स्क्वीज आउट कर जाते हैं बाहर निकल जाते हैं और ये जो डब्ल्यू बी सीज कैपेलरीज से जो मूव आउट करते हैं जो लीक आउट करते हैं जो स्क्वीज आउट करते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायपेडेसिस ठीक है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इसका नाम है डायपेडेसिस डायपेडेसिस क्या है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मूविंग आउट ऑफ द ल्यूकोसाइट्स फ्रॉम द फाइन ब्लड कैपलरीज एंड आउट इंटू द टिश्यू फ्लूड इन स्पेस इन बिटवीन दी सेल्स तो ये जो फ्लूड निकलता है प्लाज्मा और डब्ल्यू बी मिल के जो फ्लूड निकलता है जो ऊज आउट करता है जो स्क्वीज़ आउट करता है उसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूड और इंटर सेलुलर फ्लूड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड टिश्यूज़ के बीच में इसलिए टिश्यू फ्लूड सेल्स के बीच में इसलिए इंटर सेल्युलर एक्स्ट्रा सेलूलर मतलब सेल्स के सराउंडिंग स्पेस में प्रेजेंट है दैट इज बाई वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज एक्स्ट्रा सेलूलर फ्लूड सो ऑल थ्री नेम्स आर वेरी वेरी कंपेटेबल और आप ये कहिए कि नाम पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये फ्लूड कहाँ पर प्रेजेंट होगा टिश्यू फ्लूड टिश्यूज़ के बीच में इंटर सेलुलर सेल्स के बीच में एक्स्ट्रा सेलर सेल्स के बाहर तो स्पेस एक ही है एक ही स्पेस के हम तीन नेम्स दे रहे हैं ओके okay. नाउ इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टिश्यू फ्लूड की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं इट इज़ अ कलरलेस फ्लूड कलरलेस क्यों है क्योंकि सिर्फ डब्ल्यू तो निकले हैं डब्ल्यू में तो ऐसा कोई कलर होता नहीं है और प्लाज्मा आया है दैट ऑक्युपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यूज़ दो काम हो गए एक तो कलरलेस है डब्ल्यू बी सीज़ प्रेजेंट हैं इसमें प्लाज्मा है और इट ऑक्युपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यूज़ दिस सेल्स अब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिय फ्राम द टिश्यू फ्लूड इस टिश्यू फ्लूड का काम क्या है सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिय सप्लाई करना और वापस क्या देते हैं सेल्स गिव आउट सी ओ टू एंड अदर वेस्ट मटीरियल बैक इन टू इट सो बेसिकली दिस टिश्यू फ्लूड इज एक्ज एक्टिंग एज इन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज it is acting as a schema tip thorycipathli si, kalnu so that i can write so it is basically acting as a medium of exchange uh, between the tissue fluid fluid and the cells क्योंकि हर सेल तक हमने ये रीज़न क्या है इसका फॉर्मेशन का रीज़न क्या है कि हर सेल तक कैपिलरीज नहीं पहुंच पाती हैं तो कैपिलरीज ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचा पा रही हैं दैट इज़ व्हाई वी हैव द गॉड हैज डिवाइज दिस मीडियम फॉर एक्सचेंज हमारे सेल्स ताकि हेल्दी बने रहें तो ये तो हो गया आपका टिश्यू फ्लूड अब इस टिश्यू फ्लूड में एक और कॉन्सेप्ट एड ऑन हो गया वो क्या है कि अब ये टिश्यू फ्लूड ना बहुत सारा इकट्ठा हो गया अगर हमारे सेल्स के बीच में टिश्यू फ्लूड इकट्ठा होता जाएगा होता जाएगा सेल्स क्वीज़ आउट होते जाएंगे और टिश्यू फ्लूड इकट्ठा होता जाएगा तो फिर होगा क्या बॉडी तो ब्लोट होती जाएगी ना फ्लूड इकट्ठा होता जाएगा हमारी बॉडी में वो फूलती जाएगी फूलती जाएगी एंड विल बर्स्ट लाइक अ बलून सो वी डोंट हैव टू गो थ्रू दैट स्टेज ऑब्वियसली वी डोंट बर्स्ट लाइक दैट सो दैट मीन्स कि वो जो टिश्यू फ्लूड इकट्ठा हो रहा था इट इज़ समहाउ गोइंग बैक ऑल्सो सेल्स के बीच में आ रहा है एंड इट इज रिटर्निंग थ्रू सम अदर मीडियम रिटर्निंग बैक टू द ब्लड कहीं तो जा रहा है वो है ना तो वो कैसे जा रहा है कहाँ जा रहा है क्यों जा रहा है वो प्रोसेस जो है वो हम पढ़ेंगे लिम्फैटिक सिस्टम के थ्रू तो देर इज अनादर सिस्टम सर्क्यूलेटरी सिस्टम विच इज़ देयर विच इज लिम्फैटिक सिस्टम विच हैज़ बीन इंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ अब्जॉर्बिंग दिस टिश्यू फ्लूड बैक फ्राम द स्पेस बिटवीन द सेल्स सेल्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ से उस टिश्यू फ्लूड को वापस ऑब्जॉर्ब कर लिया और लिम्फ के थ्रू लिम्फ की वेसल्स होती हैं लिम्फैटिक सिस्टम में जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं ऐसे लिम्फैटिक सिस्टम में भी वेसल्स होती हैं तो वो उसके थ्रू वेसल्स के थ्रू ऑब्जॉर्ब होकर दोबारा से हार्ट में एड ऑन हो जाता है मतलब ब्लड में मिक्स हो जाती है लिम्फ दोबारा फिर सर्कुलेट होती है एज ब्लड तो लिम्फ का फ्लो जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है इट कलेक्ट्स ऑल द टिश्यू फ्लूड फ्रॉम द फ्रॉम ऑल द बॉडी एंड दिस दिस इज पोर्ड इनटू द लिम्फ वेसल्स एंड द लिम्फ वेसल्स कन्वे इट इनटू द हार्ट। दे ट्रांसपोर्ट इट एंड ड्रॉप इट और दे रादर दे टेक इट्स टू द हार्ट एंड हार्ट में ये ब्लड में मिक्स होकर दोबारा से सर्कुलेट होता है एज ब्लड तो टिश्यू जो लिम्फ है इसका यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है फ्रॉम ऑल द बॉडी सेल्स टू तो द हार्ट ओके okay, अब इसको पढ़ते हैं क्या दे रखा है एग्जैक्टली exactly, थ्योरी में आपकी वो हम पढ़ते हैं सम अमाउंट ऑफ द टिश्यू फ्लूड इज रीअबॉर्ब बाय द ब्लड वेसल्स बट मोस्ट ऑफ द टिश्यू फ्लूड एंटर्स सिस्टम ऑफ थिन वॉल्ड चैनल्स एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम अभी क्या कह रहे हैं कि कुछ टिश्यू फ्लूड जो है जो टिश्यूज़ के बीच में फ्लूड था वो कुछ तो ब्लड वेसल्स ने अब्जॉर्ब कर लिया लेकिन मैक्सिमम जो है वो फ्लूड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दैट फ्लूड एंटर्स अ सिस्टम ऑफ थिन वॉल्ड चैनल्स एक और नेटवर्क है हमारी बॉडी में थिन वॉल्ड चैनल्स थिन वॉल्ड ट्यूब्स का पाइप्स का जिसके अंदर ये हमारा जो फ्लूड है ये एंटर कर जाता है और इस सिस्टम को हम कहते हैं लिम्फैटिक सिस्टम इस सिस्टम के तीन मेन कंपोनेंट्स हैं लिम्फ जो फ्लूड एंटर किया लिम्फेटिक वेसल्स में उसको अब हम लिम्फ बोल रहे हैं उसमें क्या है प्लाज्मा एंड डब्ल्यू दो चीज़ हैं ये ध्यान रखिएगा। लिम्फ वेसल्स लिम्फ वेसल्स क्या हैं जो कि डक्ट्स हैं या जो पाइप्स हैं जो कि लिम्फ को कन्वे कर रही हैं पूरी बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट में लेके जा रही हैं तो वो लिम्फ वेसल्स हो गए उसके अलावा लिम्फ नोड्स हैं लिम्फ नोड्स क्या हैं ये ना छोटे छोटे ग्लोबुलर मासिस हैं मतलब छोटे छोटे जैसे एक टिश्यू इकट्ठा हो जाता है लिम्फेटिक टिश्यू के छोटे छोटे स्टेशंस हैं आप ये मान सकते हो जैसे ट्रेन जाती है तो बीच में स्टेशन आता है ना तो दीज आर सर्टन स्टेशन्स एंड इनमें में डब्ल्यू बी सीज़ इकट्ठे होते हैं और ये जो हैं बड़े एक्टिवली एक्ट एक्ट आक, दे आर वेरी एक्टिव प्लेसेस फॉर आर इम्यूनिटी मतलब यहाँ पे इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रॉग होती है और यहाँ पे इन्फेक्शन भी होता है नोट्स कई बार स्वॉलन हो जाते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन भी होता है फिर डब्लू बी सीज़ फाइट करते हैं क्योंकि वहाँ पर डब्ल्यू बी सीज़ काफ़ी होते हैं तो ये जो आपको ग्रीन ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं ना स्टेशन जैसे जैसे मेट्रो में आपने ट्रैवल किया होगा तो स्ट्रेट लाइन होती है फिर एक डॉट आता है, है ना फिर स्ट्रेट लाइन होती है फिर वो डॉट होता है और जो डॉट होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है डॉट रिप्रेजेंट करता है स्टेशन को है ना आपने देखा है कभी आई एम श्योर देखा होगा है ना तो डॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द स्टेशन जहाँ पे कि रुकना है उस ट्रेन को तो यहाँ पे जो हमारी ये जो पूरी लिम्फ वेसल्स हैं ये इस स्टेशन के थ्रू होकर गुजर रही हैं तो ये हमारी लिम्फ नोड्स हो गई दी ज्यादा लिम्फ नोड्स दिस दी ज्यादा लिम्फ वेसल्स एंड इनके अंदर जो फ्लूड फ्लो करता था था है दैट इज द लिम्फ ओके ये लिम्फेटिक सिस्टम का डायग्राम दे रखा है यहाँ पे जो डॉट्स देख रहे हैं आपको डार्क ग्रीन कलर में दे आधी लिम्फ ओके देन लिम्फ क्या है लिम्फ एक्चुअली स्ट्रक्चरली क्या है इट इज़ अ करलेस फील इट लैक्स आर बी सीज एंड प्लेटलेट्स इसमें आर बी सीज नहीं होते हैं प्लेटलेट्स नहीं होते हैं इसमें क्या होता है एक सेलुलर पार्ट है जिसमें कि डब्ल्यू बी सीज होते हैं मोस्टली डब्लू बी सीज में भी लिम्फोसाइट्स होते हैं डब्ल्यू बी सीज का एक और नाम क्या होता है डब्ल्यू बी सीज का एक और नाम क्या होता है ल्यूकोसाइट्स ठीक है और ये दो तरह के होते हैं ग्रैंडलोसाइट्स और अग्रैंडलोसाइट्स उसमें भी फिर फर्दर डिविजन्स होते हैं लिम्फोसाइट्स जो हैं वो दीज आर अ टाइप ऑफ डब्लू बी सीज तो सेलोर पार्ट जो है वो डब्लू बी सीज हो गए उसमें भी लिम्फोसाइट्स और नॉन सेलोर फ्लूड पार्ट हो गया वाटर प्रोटीन्स एनजाइम्स एंड एंटीबॉडीज वाटर प्रोटीन्स एनजाइम्स एंड एंटीबॉडीज मतलब बेसिकली जो ब्लड प्लाज्मा के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो लिम्फ इज़ अ कलरलेस फ्लूड कोई कलर नहीं है इसमें एंड इट कंटेन्स लिम्फोसा इट फ्लोज इन द लिफ ये आपको लिव के बारे में पता होना चाहिए ना फंक्शंस ऑफ लिव फंक्शंस क्या हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि इनके अंदर लिकोसाइड्स हैं डब्ल्यू बी सीज हैं तो इनका मेन काम क्या है दे एक्ट एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी दे हैव टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन दे आर मेनली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन द प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीजे या आप ये कह सकते हैं कि दे फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस फाइट अगेंस्ट ए इन्फेक्टिंग एजेंट्स ठीक है ओके नेक्स्ट इज और क्या कर रही है लिम्फ जो है लिम्फ फ्लो कर रही है तो इट्स इट इज सप्लाइंग न्यूट्रिय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन uh, सप्लाई कर रही है और रिमूव कर रही है वेस्ट और सीओ टू को वापस लेके जा रही है ताकि वो ब्लड में जाके मिले दोबारा से प्योरीफाई होके सर्कुलेट uh, हो इट मेंटेन्स द कॉम्पोजिशन ऑफ टिश्यू फ्लूड जो टिश्यू फ्लूड है ना जो टिश्यूज़ के बीच में जो फ्लूड है उसकी बैलेंस बना के रखती है कि बहुत ज़्यादा टिश्यू फ्लूड वहाँ पे इकट्ठा ना हो जाए नहीं तो हमारी बॉडी जैसे कि मैंने बताया ब्लोटिंग हो जाएगी बर्स्ट हो जाएगी बलून जैसे बलून में पानी भर गया ऐसे तो फूट जाएगी देन ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है सुनना इट अब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द लिम्फेटिक वेसल्स एंड द लेक्स लोकेटेड इन इंटेस्टाइनल दस्टाइनल इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है लिम्फ का कि लिम्फ क्या करती है स्मॉल इंटेस्टाइन जब फैट को डाइजेस्ट कर लेता है ना जैसे हो देखो प्रोटीन्स डाइजेस्ट होते हैं डायरेक्ट ब्लड में चले जाते हैं माइनो एसिड्स जो प्रोटीन के डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स हैं ऐसे कार्बो द्रा, डाइजेस्ट द्रा, होते हैं तो ग्लूकोज बनता है ग्लूकोज भी ब्लड में चला जाता है एक्स्ट्रा होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में स्टोर हो जाता है फैट का क्या होता है हमारी बॉडी में फैट जो है वो डाइजेशन के बाद लिम्फेटिक वेसल्स में चली जाती है और उन इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे जो इस तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ना विच स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं विच मेनली इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन है ना ये विई होते हैं ये और विलाई के अंदर जैसे अब हम एक विलाई का स्ट्रक्चर देखें ये विलाई हो गया तो इसके अंदर ये जो वेसल्स हैं दूसरे कलर से बनाती हूँ यहाँ पे ना एक अंदर एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ये नज़र नहीं आ रहा ग्रीन लेते हैं यहाँ पे ना एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है यहाँ पे बड़े सारे ऐसे निकलते हैं विलाई के अंदर और यहाँ पे ही ना लेक्टियल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर यहाँ पे लैक्टियल्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे कि फैट होती है तो ये जो फैट आ रही है स्मॉल इंटेस्टाइन से ये विलाई के थ्रू अब्जॉर्ब हो जाती है और ये लैक्टियल्स में या लिम्फ क्लांट्स में चली जाती है ठीक है तो ये हो गया ओके देन लिम्फ वेसल्स क्या होती हैं लिम्फ वेसल्स आर द ट्यूब्स लिम्फ वेसल्स क्या हैं छोटे छोटे पाइप्स हैं ट्यूब्स हैं विथ इन वॉल्स एंड वेल्ब दैट कैरी लिम्फ बैक्स बहुत ज़रूरी क्योंकि बैक फ्लो नहीं चाहिए हमें एक बार टिश्यू से फ्लूड कलेक्ट होकर कहाँ जाएगा हार्ट में जाना है हार्ट में पोर करेगा यूनी डायरेक्शनल फ्लो है ये जरूर ध्यान रखेगा कि लिम्फ का जो फ्लो होता है लिम्फ uh, फ्लोस यूनी डायरेक्शनली यूनी डायरेक्शनल फ्लो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मतलब कि एक बार पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर चला जाता है दोबारा वो लौट के नहीं आता है दोबारा से वो टिश्यू फ्लूड की फॉर्म में आता है फिर टिश्यू फ्लूड अब्जॉर्ब होता है ठीक है तो इट इज यूनी डायरेक्शनल फ्लो यूनी ओके देन द लिम्फ वेसल्स कैरी द लिम्फ इन टू द लिम्फ नोट्स लिम्फ वेसल्स लिम्फ नोड्स में लेके जाती है उसको फ्रेश लिम्फ राइजेस फ्रॉम लिम्फ नोड्स जो लिम्फ बनती है वो लिम्फ नोड से भी बनती है दीज लिम्फ वेसल्स पोर द लिम्फ इन टू द राइट एट्रियम थ्रू वेन्स राइट एट्रियम में कहाँ से ब्लड जाता है सुपीरियर uh, और इन्फीरियर वेना कावा राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर करती हैं ठीक है थीके? ये आपको ध्यान है आपने पढ़ लिया ये तो ये लिम्फ वेसल जो है ये भी राइट right एट्रियम में पोर करेंगे थ्रू वेन्स इसका मतलब ये सुपीरियर और इन्फीरियर कावा में अपनी लिम्फ दे देते हैं और उसके थ्रू वो सुपीरियर और इन्फीरियर कावा के थ्रू वो राइट right एट्रियम में एंटर कर जाता है राइट right से कहाँ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में जाता है लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी राइट एट्रियम से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में गया राइट right वेंट्रिकल से गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ गया लंग्स में गया लंग्स में ऑक्सीनेट हुआ वो ब्लड उसके बाद पलमरी वेंस चार पलमरी वेंस दो राइट लंग से निकलते हैं दो लेफ्ट लंग से निकलते हैं उन वेंस के थ्रू प्योरीफाइड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल गया पलमेरी वेंस के थ्रू कहाँ एंटर करेगा लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करेगा लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करने के बाद वो बाइक स्पीड के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल उसको एओटा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई करेगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर वेंटिकुलर की ओपनिंग को कौन गार्ड करता है तीन सेमिल्यूनर पॉकेट शेप्ड वेल्व विच आर नोन एज एयरटिक वेल्व ठीक है ओके सो द फ्लूड अगेन कम्स इन टू सर्क्यूलेशन एज ब्लड नो लिम्फ नोड्स क्या होती हैं लिम्फ नोड्स आर स्मॉल ग्लोबुलर मासेस ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू टिश्यू इकट्ठा हो जाता है दे आर प्रेजेंट इन द हेड नेक आर्म पिट्स एंड ग्रोइन ग्रोइन जो होता है आपका ये रीजन होता है जहाँ पे कि ना लेग्स आपके मेन बॉडी टॉर्सो को ज्वाइन करें जहाँ पे आके आपके सेक्शुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इस एरिया को हम ग्रोइन बोलते हैं एंड दीज लिफ नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम और लिफ नोट्स में जब कोई बॉडी में इन्फेक्शन होता lymph nodes swell हो है तो लिम्फ नोट्स फ्वेल हो जाते हैं मतलब कि वहाँ पर बहुत एक्टिव फाइटिंग चलती है डब्ल्यू बी सीज की सो टॉन्स थाइमस ग्लैंड एंड स्प्लीन आर एक्चुअली मासिज ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू लिम्फ के टिश्यूज़ हैं ये ये ग्रोइन की डेफिनेशन दे रखी है पार्ट ऑफ बॉडी वेल लेग्स जॉइन एट द टॉप इंक्लूडिंग द एरिया अराउंड द जेनाइटस दैट इज योर से सेक्स ऑर्गन्स मतलब लेग्स जहाँ बॉडी टॉर्सो को जॉइन करते हैं ये देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है जो मैं आपको इतनी देर से बोल रही हूँ कि स्वेलिंग इन लेम्फ नोड्स मीन्स देर इज एन इन्फेक्शन इन द बॉडी इन्फेक्शन बी वायरल और बैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस और आर्थराइटिस इट इज़ ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ कैंसर मतलब कि अगर हमारी लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग है इसका मतलब वहाँ पर डब्ल्यू जो हैं काफ़ी एक्टिवली फाइट कर रहे हैं ल्यूकोसाइट्स बहुत एक्टिवली फाइट कर रहे हैं और वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ये अगर धीरे जल्दी से क्योर हो जाए तो ठीक है अदरवाइज प्रोलॉन्ग है तो दैट लीड दैट मीन्स द पेशेंट द पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम सम वेरी सीरियस डिज़ीज़ कैंसर इज़ अ डेडली डिजीज़ कैंसर क्या होता है जहाँ पर कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है सेल्स की सेल्स जब अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं और उनमें भी कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो दैट इज़ कैंसर हम उस चीज़ को कैंसर बोलते हैं ओके okay. अब डिफरेंसेस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड लिम्फ और ब्लड के कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं यहाँ पे आपको ये आपको जरूर आने चाहिए ये आपको हंड्रेड परसेंट पता होने चाहिए ठीक है इसमें ऐसा नहीं है कि कोई ढील दे दें दे, आप ये यू मस्ट लर्न दिस इसमें देखो पैरामीटर दे रखा है फिर लिफ ऑफ ब्लड दे रखा है पैरामीटर पहला क्या है कॉम्पोजिशन तो लिम्फ की कॉम्पोजिशन के एंड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड ल्यूकोसाइट्स दो ही चीज़ है जबकि यहाँ पे क्या है प्लाज्मा भी है आर भी है डब्ल्यू भी है और प्लेटलेट्स भी है देन कलर लिम्फ का कोई कलर नहीं होता क्योंकि अब ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है तो इट इज़ अ रेड कलर्ड फ्लूड हीमोग्लोबिन लिम्फ में एब्सेंट होता है ब्लड में प्रेजेंट होता है फिर लिम्फ क्या कैरी करता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है क्या इट डज नॉट कैरी ऑक्सीजन जबकि ब्लड जो है हमारा वो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है और क्या फंक्शन है इट कैरीज मटीरियल्स फ्रॉम टिश्यू सेल्स टू द ब्लड लिम्फोसाइड्स प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस कैरीज मटीरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर एंड इट हैल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स यहाँ पे ये लिखा है इट डजेंट कैरी ऑक्सीजन यहाँ पे इट कैरीज ऑक्सीजन हालाँकि ऑक्सीजन एक्सचेंज में लिम्फ का रोल है क्योंकि वो वेस्ट uh, मटीरियल को लेकर आ रहा है वेस्ट मटीरियल लेके आता है uh, और ऑक्सीजन को नहीं कैरी कर रहा है क्योंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन नहीं है ना हीमोग्लोबिन जो है उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है तो फिर उसको ब्लड हर टिश्यू का हल सेल तक पहुँचाता है उसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है ओके okay, देन uh, ये चैप्टर फिनिश हो गया है एक्सरसाइज दे रखी रिविजन की कि टिश्यू फ्लूइड इज प्रेजेंट इन टिश्यू फ्लूड कहाँ प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स में स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यूज़ लिम वेसल्स में ऑल ऑफ दिस टिश्यू फ्लूड जो है एक्चुअली इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यूज़ वहाँ पर जो उसी जगह पर जो प्रेजेंट है फ्लूड उसी को हम टिश्यू फ्लूड बोल रहे हैं और कहीं होगा ब्लड में होगा तो उसको उसको ब्लड बोलेंगे लिम्फ वेसल में होगा तो उसको हम लिम्फ बोलेंगे विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्ट अबाउट टिश्यू फ्लूड इट इज़ अ कलरलेस फ्लूड ठीक है इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन अब हीमो यही दोनों कॉन्ट्रोडिक्टी होगी कलरलेस है इसका मतलब कोई पिगमेंट नहीं है हीमोग्लोबिन है तो इसका मतलब कलर होना चाहिए जबकि हमें पता है टिश्यू फ्लूड का कोई कलर नहीं होता है तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो गया इट डजेंट कंटेन हीमोग्लोबिन इट मेनली कंटेन्स प्लाज्मा ल्यूकोसाइट सही है इट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यूज सही है सो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट मतलब इट इज़ रॉन्ग ऑप्शन करेक्ट है एंड इट इज रॉन्ग द स्टेटमेंट इज रॉन्ग एज रिगार्ड्स टू द टिश्यू फ्लूड द लिम्फैटिक सिस्टम डज नॉट कंसिस्ट ऑफ लिम्फैटिक सिस्टम में क्या नहीं होता है लिम्फ होता है प्लाज्मा लिम्फ नोड लिम्फ वेसल लिम्फैटिक सिस्टम की बात करें लिम्फ की बात नहीं कर रहे कि लिम्फ में क्या क्या होता है लिम्फैटिक सिस्टम में लिम्फ होता है लिम्फ नोड होती है और लिम्फ वेसल होती है प्लाज्मा नहीं होता है तो प्लाज्मा इज़ दी इनकरेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन लिम्फ अब ये पूछ रहे हैं लिम्फ में क्या नहीं होता है लिम्फोसाइट्स होते हैं बिल्कुल होते हैं वाटर होता है होता है आर बी सीज एंड प्लेटलेट्स नहीं होते हैं आर बी सीज एंड प्लेटलेट्स दैट इज़ आर करेक्ट आंसर दे आर नॉट प्रेजेंट इन द लिम्फ Which of the following is not a function of lymph? It protects the body against disease. Yes. It removes waste from the tissue cells and provides nutrition. Yes. It maintains the composition of blood. Bhi hai. Uh, it absorbs fat from the small intestine through lymphatic vessels. Bhi hoga. Composition of blood, lymph maintain karta. Composition of blood maintains tissue fluid. नहीं 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 गलत बोल रही हूँ मैं ये तो सही है ये वाला रॉन्ग होगा देखा मैं भी हो गई ना तो आप लोग तो और ध्यान से करिएगा टिश्यू सेल्स से वेस्ट रिमूव जो करता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है वो कौन करता है टिश्यू फ्लूड ठीक है बाकी सब जो हैं वो लिम्फ के फंक्शन हैं State whether the following statements are true or false. We write the false statements correctly. Lymph flows in the spaces between the tissues. No, this is false. Lymph nahi flow karta hai. tissue fluid flow karta hai. Lymph flows in spaces between tissues. Ki jagge kya Lymph flows in the lymphatic vessels. Okay? Next. लिम्फ फाइनली एंटर्स राइट एट्रियम ये सही है राइट right एट्रियम में एंटर करता है वायादी वेनाका सुपीरियर वेना वेनाकाबा लिम्फ नोड्स आप प्रेजेंट ओनली इन द नेक रीजन नहीं ये गलत है, है नेक में भी होते हैं और आपके ग्रोइंस में भी होते हैं और आर्म पिट्स में होते हैं है ना ओके स्वेलिंग इन द लिफ्टोट इंडिकेटेड इन्फेक्शन येस दिस इज ट्रो स्वेलिंग है तो इसका मतलब इन्फेक्शन है नाउ वी हैव फिनिश विद दिस चैप्टर चिल्ड्रन आई होप आपको समझ में आया होगा इतना डिफ़िकल्ट नहीं था चैप्टर थोड़ा सा बस ये है कि ऐसे चैप्टर्स में ना यू नीड टू स्टडी रेगुलरली और एक बार ध्यान से पढ़ लो तो पूरा चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में ना एक्चुअली देखो ये मान के चला करो अगर कोई चीज़ डिफिकल्ट लगे कि नहीं नहीं वी कैन डील विद इट क्योंकि ये आपकी एज ग्रुप के बच्चों के लिए ही तो बना है दिस चैप्टर इज़ फॉर यू पीपल द चिल्ड्रन ऑफ़ योर एज तो ऑब्वियसली यू हैव टू विद दैट लर्न करना है आपको ये कॉन्सेप्ट मैप है चिल्ड्रन ये आप एक बार देख लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ये आपको ना रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखो इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और देखो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम इनके पूरा डिटेल्स दे रखा हो यहाँ पे शॉर्ट में दे रखा है पूरा चैप्टर तो ये आपको बहुत आ, अच्छा रहेगा और इवन स्कूल में जब आप क्लास में डेकोरेशन के लिए कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं ना चार्ट बनाते हैं ना उसमें भी ये काम आ जाती हैं चीज़ें तो ये अभी स्क्रीन ले लीजिए थोड़ा सा और ऊपर करें ये भी बचा हुआ है इसका पोर्शन देखो ये वा यहाँ तक है ये है ना तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट कर लीजिए ये बहुत हेल्प करेगा आपको अब ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया उसके बाद एक्सरसाइज एक्सरसाइज में नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी एंड देन विल बी फिनिशिंग दिस चैप्टर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप बताइएगा और कंटेंट अच्छा लग रहा है समझ में आ रहा है तो डू लाइक द वीडियो चैनल को शेयर करिए सब्सक्राइब करिए टेक केयर